हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम आरती फ्रॉम चौधरी कंप्यूटर्स एंड कमर्शियल कॉलेज। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एमएस वर्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर फॉर्मेट जो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले कोई भी शेप लेने के लिए हमें यहाँ पर यूज करना है इंसर्ट टैब का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन रिबन ब्लॉक दिखाई दे रहा है, उसके अंदर ही आपके पास ऑप्शन आता है शेप्स का। शेप के ड्रॉप डाउन आरोप पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है शेप्स अवेलेबल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइंस हो गई हैं, बेसिक शेप्स हो गई आपकी, ब्लॉक एरोज हो गए, इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के और भी आपके पास शेप्स अवेलेबल होंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी शेप ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करनी है रेक्टेंगल, यानी राउंडेड रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ करनी है। इसलिए मैंने अपना जो कर्सर इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके पास एक प्लस साइन आ गया। प्लस साइन का मतलब कि आपने जो भी शेप वहां से पिक की है वो अपनी स्क्रीन में ड्रैग यानी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने का बहुत ही इजी ट्रिक है, आप एक पॉइंट सेट कर लीजिए कि आपने कहाँ ड्रॉ करना है और क्लिक को वहां प्रेस करके रखेंगे अपने माउस से। उसके बाद अपने अपने जो माउस को मूव करना है डाउन साइड, आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी सेट करना चाहें उसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए विड्थ वाइज इंक्रीज करना है साइज या हाइट वाइज इसको इंक्रीज करना है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी शेप की जो सेटिंग है इजीली कर सकते हैं। जब आपका शेप बन जाए उसके बाद क्लिक को छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली आपका जो शेप है यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे हमने शेप क्रिएट किया यहाँ पर तो हमें बिल्कुल टॉप पर एक फॉर्मेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि शेप के ड्रॉ करने के बाद ही आपको शो करके दिखा रहा है। अगर मान लीजिए शेप फॉर्मेट में क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर शेप्स के अंदर हमने कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करना है, चाहे वो कलर है, आउटलाइन है, पिक्चर्स है, तो हम इसको इजीली अप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मेट इस पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे शेप के अंदर अपने कोई भी कलर फिल करना है तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे शेप फिल ऑप्शन का। आप चाहें तो ऑलरेडी जो गिवन है शेप स्टाइल गिवन है आप उनका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके स्टाइल्स गिवन होंगे तो आप अगर चाहते हैं कि स्टाइल यूज करना तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल जो है पिक कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर इंडिविजुअली कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी शेप फिल ऑप्शन की। वहां से आप कलर चूज कर लेंगे, जो भी आपने कलर यहाँ फिलिंग करनी है। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर फिल कर दिया है, स्काई ब्लू कलर फिल कर दिया है। और उसके बाद है शेप आउटलाइन। शेप फिलिंग से हम सिर्फ शेप के अंदर फिल कर सकते हैं, चाहे वो कलर है, पिक्चर है, ग्रेडियंट है या फिर किसी भी टाइप का टेक्सचर है। जैसे इस प्रकार से देख सकते हैं आप, तो डिफरेंट डिफरेंट के टेक्सचर आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे ही अगर आपने आउटलाइन में कोई कलर फिलिंग करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे शेप आउटलाइन ऑप्शन का। यहाँ पर हम आउटलाइन के कोई भी पॉइंट पे क्लिक कर देंगे जो बिल्कुल कलर ठीक लगे आपको। मान लीजिए मैंने रेड कलर फिल करना है तो मैंने आउटलाइन भी यहाँ पर रेड कलर फिल कर दिया। तो आप देख सकते हैं इन साइड में आपका स्काई ब्लू कलर है एंड जो आउटसाइड है उसमें आपका यहाँ पर रेड कलर फिल हो गया है। सेम शेप आउटलाइन के पास भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि वेट हो गया। वेट दैट मीन्स कि जो आउटलाइन है उसको थोड़ी थिक करनी है आपने, तो आप पॉइंट वाइज यहाँ थिक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे आउटलाइन भी टिक कर रही हूँ, उसी अकॉर्डिंग आपकी जो थिकनेस आउटलाइन की वो इंक्रीज होती जा रही है। अगर मान लीजिए अगर आपने आउटलाइन का जो फॉर्म वो चेंज करना है, लाइक प्लेन से डैशेस फॉर्म में चेंज करना, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको भी चेंज करके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं, वो है चेंज शेप। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेट यही रहे लेकिन आपने शेप चेंज करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेंज शेप ऑप्शन की यहाँ पर हम हेल्प ले लेंगे। तो आप यहाँ से कोई भी शेप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया है फ्लो चार्ट का कोई भी शेप ले लिया, तो इसका जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ शेप यहाँ पे न्यू इंसर्ट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेडो इफेक्ट्स की। यानी कि जो भी आप शेप ड्रैग करते हैं उसमें आपने कोई भी शेडो लगाना है, कोई भी इफेक्ट लगाना है, तो किस तरह से लगा सकते हैं आप, शेडो इफेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स हैं, तो जैसे आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके शेप में वो इफेक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर शेडो का कलर देना चाहते हैं तो शेडो इफेक्ट ऑप्शन के बिल्कुल डाउन साइड में आपके पास शेडो कलर का ऑप्शन गिवन है। मान लीजिए मैं इसको शेडो देना रेड कलर में, तो आप रेड कलर का यहाँ से इसको शेडो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इसको अगर आपको शेडो को मूव करना है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शेडो को आप मूव करा सकते हैं, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट या राइट साइड आप मूव करा सकते हैं, जहाँ आपको इजी लगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, जो ऑप्शन आता है वो है पोजिशन।
यानी कि जो भी आपने शेप यहाँ पे क्रिएट किया है उसकी पोजीशन चेक करनी है। मान लीजिए आप चाहते हैं आप ये शेप बिल्कुल सेंटर पे रखना चाहते हैं, राइट पे, लेफ्ट पे, यानी कि पेज पे आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी शेप की जो पोजीशन है देख लीजिए ये एग्जैक्टली मूव करती रहेगी जैसा आपको यहाँ पे गिवन है उसी अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ये दो ऑप्शन हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे कोई भी दो शेप यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑलरेडी हमारा शेप बना हुआ था, इसके साथ मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो रेक्टेंगल है वो मुझे इसके बैक साइड में चाहिए, ये मुझे फ्रंट साइड में चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस वाले शेप पे मैंने क्लिक किया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने शेप को बैक पे सेंड करना है, तो इसके हम यूज करेंगे सेंड टू बैक। और अगर इसको फ्रंट पे लेके आना तो हम इसके हम यूज करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। तो यानी कि आप यहाँ पे अगर डबल शेप पे वर्क कर रहे हो, आप चाहते हैं कि वो फ्रंट या बैक पे शो करे, तो उस कंडीशन के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट, जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं आप इजीली। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें अलाइनमेंट के बारे में। तो अलाइनमेंट के लिए क्या होगा कि आपका सेम वही पोजिशन की बात यहाँ पे आ जाएगी, आपने लेफ्ट में रखना है, इसका अलाइनमेंट सेंटर में रखना है, या फिर राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइड में यहाँ पे जो अलाइनमेंट सेट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप। ग्रुप का मतलब कि मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी दो शेप ड्रॉ की हैं, जिस तरह से मैंने अगेन यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे पास दो शेप हैं। अगर मैं चाहती हूँ दोनों शेप का जो भी चेंजेस करे वो एक साथ हो, लाइक अगर हाइट भी अगर चेंज कर, मान लीजिए मैंने इसकी हाइट इंक्रीज करनी है, तो मैं इन ब्लू पॉइंट की हेल्प से हम हाइट इंक्रीज करते हैं। अगर विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो भी हम इन ब्लू पॉइंट की जो हेल्प लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि दोनों की हाइट और विड्थ है वो एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, दोनों शेप का यहाँ पर ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप सिंगल शेप पे क्लिक रखेंगे, उसके बाद आपने कीबोर्ड की से कंट्रोल की यूज करके रखना है, यानी कि कंट्रोल की को आपने प्रेस करके रखना है, और जिसके हाथ ग्रुप करना है, जिस शेप के हाथ ग्रुप बनाना है, उस शेप को आप क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं प्लस के सिंबल का क्लिक हो गया है। अब आप कंट्रोल को छोड़ देंगे, जैसे आप इसको मूव करेंगे तो ये दोनों जो शेप्स हैं इकट्ठे मूव करेंगे। अगर आप इसकी विड्थ वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं इसमें हाइट वाइज, विड्थ वाइज, तो दोनों शेप में एक साथ ही वर्किंग होगा। रोटेशन की हम बात करें, रोटेट पे जाएंगे, आप यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं इजिली अपने शेप्स को। देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में रोटेट करके दिखाएगा आपको। एट लास्ट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है हाइट इंक्रीज करने के लिए, यानी कि आप इकट्ठे शेप्स का इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसको अनग्रुप नहीं किया, इसलिए दोनों शेप्स का जो हाइट अगर हम इंक्रीज करें एक साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो ये दोनों जो है एक साथ ही डिक्रीज हो जाएंगे। मान लीजिए मैं चाहती हूँ इनको इंडिविजुअली इंक्रीज या डिक्रीज करनी है इनकी हाइट और विड्थ, तो इसके लिए हमें इसको अनग्रुप करना होगा। अनग्रुप करना बहुत ही इजी है, आपने क्या करना है, अपने कर्सर को बाहर क्लिक करना है और वन बाय वन इस शेप को मूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब आपकी शेप जो है वो अनग्रुप हो गई है। सो ये थी आज की हमारी इस वीडियो की शेप ऑप्शन और इसमें जो हमने फॉर्मेट अप्लाई किया। होप सो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, तो आप प्लीज ट्राई कीजिए। थैंक यू।